चटकीली चोली पहरे बीच बीच चोवा लपटानो, परम प्रिय लागत प्यारी को अपने प्रीतम को बानो। देखत शोभा अंग अंग की मनसिज मन हिल जानो, सुधर राय प्रभु प्यारी की छवि निरखत मोयो गोवर्धन रानो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज शनिवार 27 फरवरी 2021 को माघ शुक्ल पूर्णिमा है। श्रीनाथ जी में आज होली डांडा रोपण अर्थात रोपणी का उत्सव है। बसंत पंचमी से आज माघ शुक्ल पूर्णिमा तक बसंत के दिन, बसंत के खेल के दिन कहे जाते हैं। इन दिनों में प्रिया प्रीतम को युगल स्वरूप के रूप में बजराकर शांत भाव से सूक्ष्म खेल किया जाता है। प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन का आनंद विशेष प्रकार से इन दिनों में लिया जाता है, जो कि वसंत के कीर्तनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। श्याम सुंदर प्रभु श्री जी को मूर्ति मत वसंत स्वरूप जान के भक्तजन इसका वर्णन करके प्रभु को रिझाते हैं। देखो प्यारी कुंज बिहारी मूर्ति मंत वसंत, मोर तरुण तरु लता तन में मनसिज रस वरसंत। आज माघ शुक्ल पूर्णिमा को होली डांडा रोपण के पश्चात 10 दिन तक धमार के खेल होते हैं। तत्पश्चात फाल्गुन कृष्ण एकादशी से आगामी 10 दिन फाग के होते हैं और फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से अंतिम 10 दिन होली के खेल के होते हैं। इस प्रकार 40 दिनों की होली खेल की सेवा चार रीतियों, बसंत धमार फाग एवं होली की चार रीतियों से की जाती है। होली खेल की लीला का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि जैसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं वैसे वैसे होली के खेल में अभिवृद्धि होती जाती है। वसंत का खेल नंद भवन में, धमार का खेल पोल में अर्थात पोरी में, और तीसरा फाग का खेल गली में होता है, एवं चौथा होली का खेल गाँव के बाहर चौक में खेला जाता है। श्रीनाथ जी में आज रोपणी का उत्सव है अर्थात आज होली डांडा का रोपण किया जाता है। व्रज में प्राचीन परंपरा अनुसार होली डांडा रोपण होली के एक मास पूर्व अर्थात आज पूर्णिमा के दिन गांव के चौक अर्थात गांव के बाहर किया जाता है। यमुना पुलीन गिरिराज जी वृंदावन कुंज निकुंजो आदि में डांडा रोपण होली का किया जाता है। इसके पीछे भावना यह है कि व्रज भक्तों को सुख दान हेतु प्रभु रस क्रीड़ा करते हैं, तब एक मास तक निर्विघ्न सब खेल हो इसके लिए ब्राह्मण स्वस्ति वाचन मंत्रोपचार एवं वेद ध्वनि करके डांडा रोपण होली का करते हैं। डांडा के ऊपर लाल रंग की ध्वजा पहनाई जाती है जो कि हार जीत का प्रतीक होती है, अर्थात योगी प्रभु श्री कृष्ण को अपने वश में करने आए, कामदेव की चुनौती को प्रभु ने स्वीकार कर ली है, और नंद राय जी वृषभान जी बड़े गोप यशोदा जी गोपी ग्वाल गोपाल बलदेव आदि सभी दंडवत प्रणाम कर धमार प्रारंभ करते हैं। आज सूर्योदय के पूर्व नाथद्वारा नगर में स्थित होली मगरा पर होली का डांडा रोपण किया जाता है। इस वर्ष होलिका का दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 28 मार्च 2021 को शाम को 6:46 पर सूर्यास्त के पश्चात होगा। आज श्रीनाथ जी के मुख्य पंड्या जी खर्च भंडारी जी घी गरिया जी श्रीनाथ गार्ड्स श्रीनाथ जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी के कीर्तनिया जी आदि कीर्तन गाते हुए सूर्योदय के पूर्व श्रीनाथ जी मंदिर से होली मंगरा जाकर मंत्रोच्चारण और कीर्तन की मृदु ध्वनि के बीच पूजन करके और भोग पधरा कर भोग धरकर होली डांडा का रोपण करते हैं। कल से प्रतिदिन डांडा के चारों ओर कांटे की ढेरिया जिसे स्थानीय भाषा में मथारिया कहते हैं डालकर होली तैयार की जाती है। नाथद्वारा नगर में सबसे ऊंची और बड़ी होली मगरा स्थित श्रीनाथ जी की ही होती है। आज से प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के मुखारविंद या कपोल पर गुलाल लगाई जाती है। आज से श्रीनाथ जी में गुलाल की फेंट पोटली भरी जाती है। पुष्प छड़ी
और गुलाल पिचकारी भी धरी जाती है। गुलाल अबीर का खेल भारी होता है। होली की गालियाँ भी गाई जाती है और जांझ मृदंग ढप बांसुरी आदि वाद्य बजाए जाते हैं। आज का उत्सव श्री यमुना जी की सेवा के 10 दिन की पूर्णता का उत्सव है। फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से 10 दिन धमार के दिन कहे जाते हैं। ये श्री चंद्रावली जी की सेवा के दिवस होते हैं। श्रीनाथ जी में वसंत पंचमी से केवल वसंत राग के पद गाए जाते हैं, जबकि होली डांडा रोपण के पश्चात धमार का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात आज से अन्य राग के पद भी गाए जाते हैं। धमार एक विशिष्ट ताल होती है और आज से 10 दिनों तक इस ताल के पद भी गाए जाते हैं। आज से डोलोत्सव तक मान के पद नहीं गाए जाते हैं, यह एक विशिष्टता होती है। आज से 1 मास तक श्रीनाथ जी प्रभु को कूल्हे का श्रृंगार नहीं धराया जाता है, क्योंकि कूल्हे का श्रृंगार बाल भाव का श्रृंगार माना जाता है और होली खेल की लीला किशोर भावना की होती है, अतः सेहरा मुकुट टिपारा आदि के श्रृंगार ही धराए जाते हैं। घेरदार बागा अधिक धराया जाता है और श्रीमस्तक पर मोर चंद्रिका के बदले पतरा मोर शिखा गोल चंद्रिका चमक की चंद्रिका आदि धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी के आज के सेवा क्रम के अंतर्गत मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजा करके हल्दी से लीपा जाता है और आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल सभी द्वारों पर बांधी जाती है। सभी समय जारी जी में यमुना जल भरा जाता है और आरती 2 समय में थाली में की जाती है। राजभोग में 6 बीड़ा की शिकोरी स्वर्ण का जालीदार पात्र आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन आंवला एवं फुलेल सुगंधित तेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के श्वेत घेरदार वस्त्रों के ऊपर चोवा की चोली धराई जाती है। श्रीमस्तक पर श्वेत रंग की पाक के ऊपर मोर पंख का दोहरा कतरा धराया जाता है। श्रीनाथ जी प्रभु को आज गोपी वल्लभ भोग में सिकोरी अर्थात मूंग की दाल इलायची और मावे के मीठे मसालों से भरी तवापुड़ी जैसी सामग्री दूधघर में सिद्ध की गई केसर युक्त हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता और सखड़ी में केसरी पेठा एवं मीठी सेव अरोगाए जाते हैं। भोग में फीका की जगह बीज चालनी अरोगाई जाती है। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज सफ़ेद रंग की सादी पिछवाई धराई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल चंदन से खेल किया जाता है। आज गादी तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज सफ़ेद रंग का सूथन चोवा की श्याम रंग की चोली एवं सफ़ेद घेरदार वागा धराए जाते हैं। आज सुनहरी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित सफ़ेद मोठड़ा का कटी पटका ऊर्ध्व भुजा की ओर धराया जाता है। आज मोजा जी मेघ श्याम रंग के आते हैं और लाल रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि की टिपकियों से कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। आवरण श्रृंगार सेवा में आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है और सोने के सर्व आवरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्वेत श्याम खिड़की की छज्जेदार पाक के ऊपर सिरपेच सुनहरी फोंदना का दोहरा मोर पंख का कतरा और शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। आज 4 माला तायत वाली धराई जाती है और त्रवल नहीं धराया जाता है, कंठी धराई जाती है। आज श्रीकंठ में लाल एवं पीले पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी सोने के बटदार वेणु जी एवं 1 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पटचीड़ का आता है और गोटी चांदी की आती है। आरती श्रृंगार में बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े करके छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। आइए आज की राग सेवा आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन सांची कहो मनमोहन मोसो, राजभोग में खेल फागन चली लालन संग,
इस अष्टपदी का गायन होता है। आरती में ऋतु बसंत तरुण असंत, शयन में ऋतु बसंत सुख के लिए हो आयो। फागुन मास का गायन प्रभु के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन